नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। एक मामला सामने आ रहा है मंडावली थाना क्षेत्र से, जहां पर गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया है। चार लोग इसमें सम्मिलित थे और पुलिस की जवाबी कार्रवाई इस पे की गई है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश गौकशी कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को घेरने का प्रयास किया। बदमाशों ने जैसे ही देखा कि पुलिस उनको घेर रही है, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नईम नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे CHC में भर्ती करा दिया गया है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाकी तीन बदमाश जंगल से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है। पुलिस ने चारों बदमाशों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है इस पर SP धर्मवीर सिंह का। थाना मंडावली के नारायणपुर रतन से रात्रि में लगभग 2:30 बजे गोकशी की सूचना मिली। SO मंडावली हिमांशु मैं पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। गोकशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। एक्सचेंज ऑफ फायर में नईम के बाएं पैर में गोली लगी। शेष तीन अभियुक्त भागने में सफल रहे। मौके पर तमंचा, छुरी, गोबर से संबंधित अन्य उपकरण, पन्नी वगैरह, गोमांस बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए SO नागल नजीबाबाद, CO नजीबाबाद दबिशे दे रहे हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। समीपुर हॉस्पिटल में लाया गया, इलाज चल रहा है। आर्म्स एक्ट एवं गोवध अधिनियम में गंभीर धारा में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।